चुनावी मौसम का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव इसी वर्ष के अंत में होने हैं, जिसको लेकर जनता अपने अपने जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी हैं। सबसे चर्चित व हॉट सीट माने जाने वाले क्षेत्र में सूरजगढ़ विधानसभा का नाम हमेशा आगे रहता है। यहाँ इस सीट पर कांग्रेस व भाजपा की सीधी टक्कर होती है, लेकिन बीएसपी अपनी टांग इस चुनाव में अड़ाए रखती है। 2023 के चुनावों पर बात करने से पहले एक नजर 2018 के विधानसभा चुनावों पर डालते हैं। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए उम्मीदवार सुभाष पूनिया ने 79,913 मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार को 3425 के अंतर से पराजित किया था। श्रवण कुमार को 76,488 मत प्राप्त हुए थे, जबकि तीसरे नंबर पर बीएसपी के प्रत्याशी क्रमवीर यादव थे, जिनको 30,948 मत प्राप्त हुए। बाकी बचे 17 प्रत्याशियों ने 1,000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया था, परंतु अब की बार विधानसभा के समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। जनता ने धीरे धीरे अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो इस क्षेत्र में पुराने चेहरों पर जनता का विश्वास कम होता नजर आ रहा है। नए चेहरों की तलाश में जनता जुटी हुई है। जन चर्चाओं अनुसार भाजपा के सुभाष पूनिया ने विकास कार्य नहीं करवाए जितना वो उम्मीद कर रही थी। साथ ही पूनिया के स्वभाव से भी जनता का सवाल उठ रहा है कि सीधे मुंह बात नहीं करते। तो वहीं श्रवण कुमार ने भी कांग्रेस से पहले उम्मीदवार रह चुके हैं, लेकिन एक दशक में श्रवण कुमार के वोट बैंक में कमी नजर आई है, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। और अब भी जनता सुभाष पूनिया व श्रवण कुमार के लिए पॉजिटिव नहीं सोच रही, किसी नए चेहरे की तलाश में दिखाई दे रही है। भाजपा कांग्रेस बसपा में अब की बार भी मुकाबला होगा, लेकिन पार्टी किन चेहरों पर दाव लगाएंगी ये देखने वाली बात होगी, और उन्हीं चेहरों पर चुनाव घूमेगा। पूर्व सांसद संतोष अहलावत भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसकी वजह से चुनाव में खुमार देखने को मिलेगा। जन चर्चा अनुसार ये तय माना जा रहा है कि संतोष अहलावत कहां अपना स्थान बनाती है या किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है या खुद चुनाव मैदान में उतरती है, तो संभावना बनती है कि एक बार फिर भाजपा सूरजगढ़ से चुनाव निकालने में कामयाब हो पाए। ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर दाव लगाएंगी जो जीत दिला सके, जिसके लिए सर्वे व संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की मनसा भी समझ रही है। कांग्रेस भाजपा की ओर से उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, उसके बाद तय हो जाएगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देकर अपना नेता बनाएगी। ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी पार्टियां मंथन में जुटी हुई है, कोई फैसला उम्मीदवारों पर नहीं कर पाई है।